और ये बेअदबी है कि कोई बेड पे बैठा हो और आप वहीं पर नीचे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। तो इसलिए ऐसा ना करें, या तो आप भी ऊपर किसी कुर्सी वगैरह पे बैठें या ऊपर वाले वहाँ से हट जाएं, या आप ही बेड पे बैठ जाएं, लेकिन इस तरह नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो। गुनाहगार जी। एक तो ये कि अगर बैठ के बेड वगैरह पे पढ़ रहे हैं तो टांगे सीधी करके पढ़ना, ये अदब के खिलाफ लिखा है। गुनाह तो नहीं है कि हर बेअदबी गुनाह नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि टांगे समेट के पढ़ें। अगर थक जाएँ तो थोड़ी देर टहल लें फिर बैठकर टांगे समेट के पढ़ें, ये अदब और एहतराम है।